तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू, और अभी हम हैं फ़िलहाल बोरिंग रोड में, और आज है 24 मार्च 2020, और ट्यूसडे दिन है आज। और आज है लॉकडाउन का तीसरा दिन। जैसा कि आप सब लोग को पता है, पटना लॉकडाउन हो चुका है। और लॉकडाउन के टाइम में बस आपको मेडिसिन शॉप खुला मिलेगा, मिल्क पार्लर, जनरल स्टोर और सब्जी फल, यही सब मिलेगा, और कोई भी चीज़ खुला हुआ नहीं मिलेगा। सो आप लोग को इससे रिलेटेड ही कोई सामान अगर लेना हो तो बाहर आए और एक बार में 2-3 दिन का सामान स्टोर कर ले, कि कम से कम निकलना पड़े आप लोग को घर से बाहर, क्योंकि अभी जो टाइम है इस समय में घर से बाहर निकलना बहुत रिस्की है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश कीजिए घर में रहने का, एकदम अर्जेंट हो, बहुत अर्जेंट हो तो ही बाहर निकलिए, ऐसे नहीं निकलने का कोशिश कीजिए। वैसे मुझे भी पता है होम लॉक्ड होना एक बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बोर्ड हो रहे हैं आदमी, तो मूवीज़ देखिए, मतलब सीरीज़ देखिए, कुछ भी गेम खेलिए, एंटरटेन कीजिए अपने आप को, क्योंकि अगर इस समय में नहीं रुके तो फिर मौका मिले या ना मिले कोई नहीं जानता है। सो हीरो बनिए, घर पे रहिए और सेफ़ रहिए, खुद भी सेफ़ रहिए, पूरे फैमिली को सेफ़ रखिए। सो कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है कि जब तक आप अपने घर से बाहर आके कोरोना को वेलकम नहीं कीजिएगा, तब तक वो आपके घर में नहीं आने वाले हैं। सो हीरो बनिए, कोरोना को वेलकम करने बाहर मत आइए, कोशिश कीजिए एकदम बिल्कुल ना निकलने का। और अभी हम फ़िलहाल बोरिंग रोड चौराहा पहुँचे हैं, और हम सोच रहे हैं कि पेट्रोल ले लिया जाए, क्योंकि बाइक में पेट्रोल रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो पेट्रोल रिफ्यूलिंग करा लेते हैं, और जैसा कि देख रहे हैं पूरा पेट्रोल पंप जो है एकदम सन्नाटा है, कोई बाइक नहीं है, कोई कार नहीं है, एकदम खाली है। सो रिफ़िलिंग कराते हैं, और फाइनली हो गया मेरा बाइक का फ्यूल रिफ़िलिंग, और अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और आप लोग को एक बात बता दें, जैसा कि अगर आप सोचते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आपको कोरोना इफेक्ट नहीं कर सकता है, सो हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बट घर में सबका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो इसलिए आप अपना भी ख्याल रखिए, पूरे फैमिली का ख्याल रखिए, आप अच्छे रहिएगा, पूरा फैमिली अच्छा रहेगा। सो हीरो बनिए, घर रहिए और क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए फैमिली के साथ, मूवी देखिए, गेम खेलिए। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है, और कुछ भी हो जाए घर से ना निकलने का कोशिश कीजिए एकदम बिल्कुल नहीं। मतलब कॉलोनी में आइए, अपना दूध या जो भी किराना का आइटम है, जो भी है, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोर कर लीजिए और घर में रहने का कोशिश कीजिए। और जैसा कि देख रहे हैं रोड पूरा एकदम सन्नाटा है, और गवर्नमेंट ने जो ये लॉकडाउन किया है, ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट, ये हमारे सेफ्टी के लिए लिया गया है। और ज़्यादा पैनिक होने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, बट उतना डेंजरस नहीं है, मतलब कंपेयर टू अदर वायरस, बट स्प्रेड बहुत ज़्यादा करता है। सो इस वजह से आप लोग ज़्यादा पैनिक नहीं हो, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, प्रॉपर हैंड वॉश यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, और मैक्सिमम लोग के साथ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ आप मेंटेन कीजिएगा, आपके घर तक कोरोना वायरस नहीं आने वाला है। अगर ये सब चीज़ को मेंटेन नहीं कीजिएगा तो घर पे आ भी सकता है। बस लास्ट यही बात बोलना चाहेंगे कि आप लोग घर से ना निकले, बिल्कुल बहुत अर्जेंट हो तो ही निकले। और फाइनली हम भी घर के तरफ पहुँच चुके हैं। सो मिलते हैं जल्दी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।